देखिए स्टूडेंट्स, अब आपके सामने हम पॉइंट नंबर 11 बता रहे हैं। इसको समझने के लिए पहले थोड़ा सा मैटर के बारे में हम जानेंगे। जितने भी मैटर हैं सभी एटम्स से मिलकर बने होते हैं, और एक एटम तीन फंडामेंटल पार्टिकल इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन से मिलकर बने होते हैं। इलेक्ट्रॉन पर निगेटिव चार्ज है, प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज है। अब देखिए आपके सामने हम दो बॉडी ले लेते हैं, किसी भी शेप का हो सकता है। ये अभी हमने आपको स्फेरिकल बॉडी दिखलाया है, हो सकता है क्यूबॉइड हो, क्यूब हो, एनी काइंड ऑफ शेप, कोई भी शेप चलेगा। और किसी भी प्रकार के मेटल हो सकते हैं, मींस मेटल हो, नॉन मेटल हो, एनी काइंड। तो देखिए ये भी ये मैटर है, ये भी एटम से मिलकर बना हुआ है। इसके अंदर में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन होंगे, और ये भी मैटर है, ये भी एटम से मिलकर बना हुआ है। इसके अंदर में भी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन होंगे। न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं है, बट इलेक्ट्रॉन पे निगेटिव चार्ज है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज है। तो इसके पॉजिटिव चार्ज और इसके पॉजिटिव चार्ज के बीच रिपल्सिव फोर्स लगेगा। हम लोग जानते हैं कि पॉजिटिव पॉजिटिव के बीच रिपल्सिव फोर्स लगता है, और निगेटिव निगेटिव के बीच भी रिपल्सिव फोर्स लगता है। बस इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग यूज करना है। तो इसके जितने भी पॉजिटिव चार्ज है इसके पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स इधर लगाएंगे, और इसके जितने भी पॉजिटिव चार्ज है इसके निगेटिव चार्ज पर फोर्स इधर लगाएंगे। साथ ही साथ इसके देखिए जितने निगेटिव चार्ज है इसके पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स निगेटिव चार्ज के द्वारा इसके पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स इधर की तरफ लगेगा, और इसके जितने निगेटिव चार्ज है इसके निगेटिव चार्ज पर फोर्स इधर लगाएंगे। देखिए इस बॉडी पे दो फोर्स इधर लग रहा है, और इन दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड के इक्वल है, और इस प्रकार से इस पर रिजल्टेंट फोर्स जीरो हो जाएगा। सिमिलरली इस केस में भी वही हाल है, इसके जितने पॉजिटिव चार्ज हैं इसके पॉजिटिव चार्ज पर इधर की तरफ रिपल्सिव फोर्स लगाएंगे, इसके जितने पॉजिटिव चार्ज हैं इसके निगेटिव चार्ज पर फोर्स इधर लगाएंगे, साथ ही साथ इसके जितने निगेटिव चार्ज हैं इसके पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स इधर की तरफ लगाएंगे, और जितने निगेटिव चार्ज हैं इसके निगेटिव चार्ज पर फोर्स इधर लगाएंगे, और ये इधर का फोर्स और ये इधर का फोर्स एक दूसरे को बैलेंस कर देगा, और रिजल्टेंट फोर्स क्या हो जाएगा, जीरो। कहने का सेंस ये कि जब दो बॉडी न्यूट्रल हो, मीन्स कि उन पे नेट चार्ज जीरो हो, तो भी उनके बीच इलेक्ट्रिक फोर्स लगता है, बट उसका रिजल्टेंट क्या हो जाता है, जीरो। नॉर्मली हम लोग अनचार्ज बॉडी में, मतलब जिसपे नेट चार्ज जीरो है, कोई इलेक्ट्रिक फोर्स फील नहीं करते हैं, बट उनके बीच इलेक्ट्रिक फोर्स लगता है और उसका रिजल्टेंट जीरो होता है। तो स्टूडेंट्स हम लोग लिख सकते हैं, हम लोगों ने इस प्रकार से इसको लिखा है, इलेक्ट्रिक फोर्स ऑल्सो एक्टिंग बिटवीन टू अनचार्ज बॉडी। आपके सामने दो अनचार्ज बॉडी है, मीन्स कि इस पे नेट चार्ज जीरो है और इस पे भी नेट चार्ज जीरो है, तो इनके बीच भी इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है। इलेक्ट्रिक फोर्स ऑल्सो एक्टिंग बिटवीन टू अनचार्ज बॉडी बिकॉज दे आर मेड फ्रॉम एटम्स, ये भी एटम से मिलकर बना हुआ है, ये भी एटम से मिलकर बना हुआ है, और एटम इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, न्यूट्रॉन पे चार्ज नहीं है, हमने यहाँ एक्सप्लेन किया था, बताया था, बट इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पे चार्ज है, तो इसके सारे इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगाएंगे, इसके सारे इलेक्ट्रॉन इसके सारे प्रोटॉन पर फोर्स लगाएंगे, इसके सारे प्रोटॉन इसके सारे इलेक्ट्रॉन पर फोर्स लगाएंगे, इसके सारे प्रोटॉन इसके सारे प्रोटॉन पर फोर्स लगाएंगे, चार फोर्स लगा। और इसका उल्टा भी वही बात, मतलब इस पर भी इसके इलेक्ट्रॉन फोर्स लगाएंगे, प्रोटॉन फोर्स लगाएंगे, लेकिन इनका जो नेट फोर्स है टू बॉडीज आर जीरो, बट नेट रिजल्टेंट फोर्स क्या है, जीरो। इसलिए इसको हम लोग नॉर्मली एक्सपीरियंस नहीं करते हैं, नोट किया जाए इसको। आइए स्टूडेंट्स, अब आपको हम पॉइंट नंबर 12 बता रहे हैं। चलिए बात करते हैं लाइटनिंग रॉड्स का। ध्यान देंगे देखिए हम लोग क्लाउड की बात कर रहे हैं, बादल की बात कर रहे हैं, ये क्लाउड है, और
क्लाउड जब एयर से मूव करता है तो एयर के फ्रिक्शन के कारण क्लाउड भी चार्ज हो जाता है। देखिए फिर से एक बार हम आपको समझा रहे हैं, क्लाउड का जब एटमॉस्फेयर में वायुमंडल में मूवमेंट होता है तो एयर फ्रिक्शन के कारण ये क्लाउड भी चार्ज हो जाता है, और जब थंडरिंग की घटना होती है मतलब बिजली कड़क करके नीचे गिरती है तो उसमें हजारों वोल्ट पोटेंशियल्स होते हैं चार्ज के फॉर्म में, और ये चार्ज जब किसी बिल्डिंग पे डायरेक्टली गिर जाए तो उसको डिस्ट्रॉय कर देगा। तो इससे बचने के लिए ऊंचे बिल्डिंग्स पे देखिएगा, मल्टी स्टोर बिल्डिंग पे एक इस प्रकार से इससे का एक मेटल का रॉड लगा हुआ रहता है, और ये मेटल का रॉड यहीं पे कनेक्टेड नहीं है, ये फाइनली अर्थ को जाकर कनेक्ट हो जाता है इस तरीका से। और ये जब चार्ज इस क्लाउड का जब इस बिल्डिंग पे आता है तो ये पॉजिटिवली चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज और ये अर्थ से कनेक्टेड है मेटल रॉड। अब ये मेटल रॉड इस पॉजिटिव चार्ज बॉडी को अपनी तरफ अफेक्ट करेगा और यहाँ पे निगेटिव चार्ज आ जाता है अर्थ से निगेटिव, क्योंकि हम लोग जानते हैं पॉजिटिव और न्यूट्रल बॉडी के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स लगता है, तो अर्थ का निगेटिव चार्ज का मूवमेंट ऊपर हो गया और ये क्लाउड पॉजिटिवली चार्ज है, इसको ये अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और सारा का सारा इसके चार्ज को ये न्यूट्रल कर देगा, ये निगेटिव ये पॉजिटिव न्यूट्रल, ये निगेटिव ये पॉजिटिव न्यूट्रल, और इस तरीका से सारा का सारा कह सकते हैं कि चार्ज फ्लो होकर ग्राउंड में चला जाएगा और जो बिल्डिंग है हमारा वो सेफ हो जाएगा। बड़े ऊंचे बिल्डिंग में फिर आपको बता दें कि सिनेमा हॉल हैं उन सभी के टॉप मोस्ट जो लेयर होते हैं ऊपर उन सभी पे मेटल का बना हुआ रहता है, इसी को हम लोग लाइटनिंग नोड्स कहते हैं। ये एक्चुअल में जो चार्ज जो क्लाउड से जब चार्ज नीचे मूव करता है उससे बचने के लिए लगाया जाता है, इसी को हम लोग लाइटनिंग रॉड्स के नाम से जानते हैं। स्टूडेंट्स हमने लाइटनिंग रॉड्स को पूरे अच्छे ढंग से लिख लिया, आप इसको समझेंगे। सबसे पहले कि ये तो कोई मेटल का बना हुआ होता है, कोई कंडक्टर होता है, तभी तो ये चार्ज को ट्रांसफर ग्राउंड को करेगा। तो सबसे पहले कि इट इज मेड फ्रॉम कंडक्टर्स विच वन इंड इज अर्थ, जिसका एक इंड देखिए हमने यहाँ अर्थ से कनेक्ट कर दिया है और अर्थ को जाता है, इसको हम लोग अर्थेड बोलते हैं, और एंड अनदर शार्प इंड, और ऊपर का जो शार्प इंड है प्रोटेक्ट्स योर बिल्डिंग फ्रॉम लाइटनिंग, ये जो क्लाउड के पास जो चार्ज है उसको न्यूट्रलाइजिंग और कंडक्टिंग द चार्ज, इस क्लाउड के चार्ज को या तो न्यूट्रलाइज कर देगा या कंडक्ट करके ग्राउंड के पास पहुंचा देगा, इसी को हम लोग लाइटनिंग रॉड्स के नाम से जानते हैं। अब चलेंगे फिर हम आपको नेक्स्ट पॉइंट बताने जा रहे हैं। स्टूडेंट्स अब आपको हम पॉइंट नंबर 13 बता रहे हैं, ध्यान देना है। जब किसी चार्ज बॉडी के नज़दीक, जैसे ये चार्ज बॉडी है, मान लेते हैं कि ये पॉजिटिवली चार्ज है, जब किसी अनचार्ज बॉडी को रखते हैं, ये चार्ज बॉडी है और ये अनचार्ज बॉडी है, तो चार्जिंग बाय इंडक्शन में हम लोगों ने पढ़ा था कि जब किसी चार्ज बॉडी के नज़दीक अनचार्ज बॉडी को रखते हैं इसके दोनों अपोजिट सरफेसेस पे इक्वल एंड अपोजिट चार्जेज अपीयर होते हैं, नहीं तो ऐसे भी आप समझ सकते हैं ये पॉजिटिव चार्ज है, डायरेक्टली हम आपको बता रहे हैं ये पॉजिटिव चार्ज है और इसके अंदर में एटम होगा, एटम के अंदर में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन होगा, तो इलेक्ट्रॉन निगेटिवली चार्ज है, तो इसके सारे निगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन पर ये पॉजिटिवली चार्ज बॉडी इधर की तरफ फोर्स लगाएगा और यहाँ पे निगेटिव चार्ज इंड्यूस कर जाएगा, और इसके सारे पॉजिटिव चार्ज पर इधर फोर्स लगाएगा रिपल्सिव और यहाँ पॉजिटिव चार्ज यूज कर दिया। तो देखिए आप जब किसी चार्ज बॉडी के नज़दीक अनचार्ज बॉडी को रखें तो उसके दोनों अपोजिट सरफेस पे इक्वल एंड अपोजिट चार्ज अपीयर हो गया, तो इस चार्ज को हम लोग इंड्यूस्ड चार्ज बोलते हैं। और इस चार्ज को हम लोग इंड्यूसिंग चार्ज बोलते हैं। या इस चार्ज बॉडी को हम लोग इंड्यूसिंग बॉडी भी बोलते हैं।
एक बार फिर से हम आपको रिपीट कर रहे हैं, देखिए आपके सामने एक चार्ज बॉडी है और यहाँ पर एक अनचार्ज बॉडी है। यह पॉजिटिवली चार्ज बॉडी था, यहाँ निगेटिव चार्ज बॉडी को अपनी तरफ, निगेटिव चार्ज पार्टिकल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया, और इस तरीका से यहाँ पर निगेटिव चार्ज और इस पॉजिटिव चार्ज और इसके पॉजिटिव चार्ज के बीच रिपल्सिव फोर्स लग रहा है, तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो ये जो चार्ज यहाँ पर आया उसको हम लोग इंड्यूस चार्ज बोलते हैं, और इसके द्वारा ये चार्ज प्रोड्यूस हुआ है तो इसको हम लोग इंड्यूसिंग चार्ज बोलते हैं। इंड्यूस करने वाला चार्ज ये है और ये इंड्यूस चार्ज है, मतलब उत्पन्न हो गया चार्ज ये है और उत्पन्न करने वाला ये है, इसको हम लोग इंड्यूसिंग बॉडी या इंड्यूसिंग चार्ज बोलते हैं। देखिए इस चार्ज का जो वैल्यू है, इंड्यूस चार्ज का वैल्यू इस इंड्यूसिंग चार्ज पर डिपेंड करता है। यदि इस चार्ज का अमाउंट ज़्यादा है तो इसका भी अमाउंट ज़्यादा होगा, यदि इसका अमाउंट कम है तो इसका भी अमाउंट कम होगा। साथ ही साथ ये इस सब्सटेंस के नेचर पर भी डिपेंड करता है। मेटल के केस में जितना इंड्यूसिंग चार्ज होता है उतना ही इंड्यूस चार्ज होगा। कहने का मतलब ये कि यदि ये 15 कूलम है पॉजिटिव, तो यहाँ माइनस 15 कूलम इंड्यूस होगा इन द केस ऑफ कंडक्टर मेटल, और यदि ये इंसुलेटर है, प्लास्टिक है, रबर है, मतलब नॉन मेटल है, तो यहाँ जो चार्ज इंड्यूस होगा उसका जो वैल्यू होता है ना वो इस चार्ज से कम होता है। मीन्स ये 15 कूलम है तो हो सकता है माइनस 12 कूलम हो, बट इन द केस ऑफ इंसुलेटर या नॉन मेटल ये कभी भी माइनस 15 कूलम नहीं होगा। तो इनके सारे पॉइंट्स को हम एक एक करके आपको समझाते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, अब हम लोग रिलेशन पढ़ने जा रहे हैं, रिलेशन बिटवीन इंड्यूसिंग चार्ज एंड इंड्यूस्ड चार्ज। तो इसमें चार केसेस है जिसमें से हम फर्स्ट आपको बता रहे हैं। सबसे पहला बात ये कि जो इंड्यूसिंग बॉडी होते हैं, इंड्यूसिंग बॉडी जब किसी बॉडी पर चार्ज इंड्यूस करता है तो इसके चार्ज के वैल्यू पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। पहला पॉइंट ये है, द वैल्यू ऑफ चार्ज ऑफ इंड्यूसिंग बॉडी डज नॉट चेंज्ड बाय इंड्यूस्ड चार्ज। इंड्यूस्ड चार्ज, तो आप इसको नोट कर लेंगे, फिर हम आपको सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ पॉइंट बताते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, सेकेंड पॉइंट ये है कि यहाँ जो इंड्यूस्ड चार्ज होता है और जो इंड्यूसिंग चार्ज है, दोनों के बीच एक रिलेशन ये भी है कि यदि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ पे निगेटिव चार्ज इंड्यूस्ड होगा, और यदि यहाँ पे निगेटिव चार्ज है, मतलब इंड्यूसिंग चार्ज का वैल्यू यदि निगेटिव है तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस्ड होगा। यानी सेकेंड पॉइंट ये है कि इंड्यूस चार्ज और इंड्यूसिंग चार्ज दोनों एक दूसरे के अपोजिट नेचर के होते हैं। द नेचर ऑफ इंड्यूस्ड चार्ज एंड इंड्यूसिंग चार्ज आर अपोजिट, दोनों का नेचर एक दूसरे के अपोजिट होता है, मतलब यहां पॉजिटिव तो यहां निगेटिव, या यहाँ निगेटिव तो यहाँ पॉजिटिव। ये सेकेंड पॉइंट, इसको नोट कीजिए, फिर थर्ड पॉइंट हम आपको बताते हैं। थर्ड पॉइंट है कि इंड्यूस चार्ज और इंड्यूसिंग चार्ज का जो वैल्यू है उसके बीच रिलेशन हम आपको बताते हैं। मान लेते हैं कि इंड्यूस चार्ज का वैल्यू, यहाँ पर जो चार्ज इंड्यूस किया, मान लेते हैं कि ये क्यू डैश है और यहाँ जो इंड्यूसिंग चार्ज है उसका वैल्यू क्यू है, तो इस क्यू और क्यू डैश में एक रिलेशन है। इस क्यू डैश का वैल्यू कभी भी इससे बड़ा नहीं हो सकता है, यानी इंड्यूस चार्ज का जो वैल्यू होता है, मैक्सिमम वैल्यू क्यू डैश, वो छोटा होगा क्यू से या मैक्सिमम इसके इक्वल हो सकता है।
ये अगला रिलेशन है, और इसको हम लोग मैथमेटिकली डिफाइन करते हैं क्यू डैश इज इक्वल टू माइनस क्यू इंटू वन माइनस वन बाई के। देखिए यहाँ पे क्यू डैश इंड्यूस्ड चार्ज है, इंड्यूस्ड चार्ज है, और इसमें क्यू इंड्यूसिंग चार्ज है। और ये जो के देख रहे हैं इसके को हम लोग डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहते हैं। तो ये के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, हर सब्सटेंस के लिए इसका वैल्यू अलग अलग होता है, और ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इस अनचार्ज बॉडी का है। तो लिख सकते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ अनचार्ज बॉडी, और हर सब्सटेंस के लिए इस के का वैल्यू अलग अलग होता है, और इसको हम लोग लैंग्वेज के रूप में लिख सकते हैं द वैल्यू ऑफ। देखिए क्यू डैश की बात करें, क्यू डैश मतलब इंड्यूस चार्ज, इंड्यूस चार्ज इज लेस देन और इक्वल टू इंड्यूसिंग चार्ज। तो आप थर्ड पॉइंट ये नोट करेंगे, इसके बाद नीचे में ये भी लिख देंगे आप। फ्रेंड्स ये के जो डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट है उसके बारे में हम आपको विधद रूप में आगे खासकर कैपेसिटर जब पढ़ाएंगे तो बताएंगे, इसलिए घबराना नहीं है, फिर आगे इसको एक्सप्लेन करेंगे, अच्छे से बताएंगे हम आपको। ये थर्ड पॉइंट नोट कर लीजिए, फिर एक और पॉइंट है नंबर फोर, वो हम आपको बताएंगे। देखिए स्टूडेंट्स नंबर फोर पॉइंट्स एंड लास्ट पॉइंट, हॉट ए मेटल, कोई भी मेटल हो उसके लिए के का वैल्यू इन्फिनिटी होता है, चाहे वो आयरन हो या कॉपर हो, एनी काइंड ऑफ मेटल, एनी काइंड ऑफ कंडक्टर। और इस फॉर्मूला का हम लोग यूज करने जा रहे हैं फ्रॉम क्यू डैश इज इक्वल टू माइनस क्यू इंटू वन माइनस वन बाई के, माइनस क्यू इंटू वन माइनस वन बाई के, और के का वैल्यू यहाँ पे इन्फिनिटी है, तो यहाँ इन्फिनिटी हम लोग रख देते हैं। चलिए इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं हम लोग, और देखिए इस क्यू डैश इज इक्वल टू माइनस क्यू इंटू वन माइनस, और वन बाई इन्फिनिटी का वैल्यू जीरो होता है, माइनस क्यू इंटू वन माइनस जीरो वन मीन्स क्यू डैश इज इक्वल टू माइनस क्यू। कहने का मतलब क्यू डैश को हम लोग कौन सा चार्ज बोलते हैं, इंड्यूस चार्ज, यानी इंड्यूस चार्ज इज इक्वल टू माइनस क्यू, क्यू को हम लोग बोलते हैं इंड्यूसिंग चार्ज। कहने का सेंस ये है कि यदि ये आयरन का बना हुआ है और यहाँ पर यदि हम लोग 18 कूलम चार्ज लेते हैं पॉजिटिव, तो यह माइनस 18 कूलम इंड्यूस करेगा। यदि यहाँ पर हम लोग माइनस 18 कूलम लेते हैं चार्ज, तो यहाँ पर प्लस 18 कूलम इंड्यूस करेगा। मेटल के केस में इंड्यूस चार्ज और इंड्यूसिंग चार्ज दोनों का वैल्यू इक्वल होता है, हाँ दोनों का साइन अपोजिट होता है, वो पहले भी हम पॉइंट में आपको बता चुके हैं। तो आपके नंबर फोर पॉइंट यहाँ से यहाँ और ये यहाँ नोट कर लेंगे, ये तो हम पहले आपको बता चुके हैं। चलिए स्टूडेंट्स अब आपको हम पॉइंट नंबर 14 बता रहे हैं, एडवांस यूजेस ऑफ गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। देखिए स्टूडेंट्स गोल्ड लीप इलेक्ट्रोस्कोप आपको हमने पढ़ाया था पिछले वीडियो में, आप देख सकते हैं मेरा ये जो गोल्ड लीप इलेक्ट्रोस्कोप है उसका एक्सप्लेनेशन। तो एक बार फिर से हम थोड़ा सा इसको समझा दे रहे हैं। देखिए इसमें ग्लास बॉटल होता है इस तरीका से, ये ग्लास बॉटल है और इसके अंदर में एक एल शेप का मेटल रॉड लगा हुआ रहता है, तो
ध्यान देंगे ये ग्लास बॉटल है, इसके अंदर में एल शेप का मेटल रॉड लगा हुआ है और इसके लोअर इन पर गोल्ड फॉयल नीचे की तरफ वर्टिकली डाउनवर्ड सीधे नीचे की तरफ लटक रहा है और अपर इन एक मेटल नॉब से कनेक्टेड होता है। तो जब कोई चार्ज बॉडी, मान लीजिए कि बॉडी पॉजिटिवली चार्ज है, ये चार्ज बॉडी टच किया मेटल नॉब को, तो ये चार्ज बॉडी अपना चार्ज इस मेटल नॉब को ट्रांसफर करेगा, यहाँ से फिर एल शेप के रॉड पे ट्रांसफर होगा और इस गोल्ड फॉयल पर भी ये चार्ज ट्रांसफर होगा। और इस तरीका से हम लोग देखेंगे, चलिए हम आपको समझा रहे हैं, नॉर्मली अपने रुमाल के थ्रू हम आपको बता रहे हैं कि कैसे ये काम करता है, ध्यान देना है स्टूडेंट्स। तो ये आप देख सकते हैं कि ये गोल्ड फॉयल है इस तरीका से, और इस पे पॉजिटिव चार्ज, इस पे भी पॉजिटिव चार्ज। तो हम लोग जानते हैं कि पॉजिटिव पॉजिटिव के बीच रिपल्सिव फोर्स लगता है। ये पॉजिटिवली चार्ज लीफ, जो सोना का पत्ती है लीफ है वो, और ये पॉजिटिवली चार्ज लीफ, दोनों के बीच रिपल्सिव फोर्स लगेगा। ये लीफ इस पर फोर्स इधर लगाएगा और ये लीफ इस पर फोर्स इधर लगाएगा और इसलिए डाइवर्ज कर जाएगा। तो ये डाइवर्ज करेंगे कब, जब चार्ज का नेचर पॉजिटिव था। यदि चार्ज का नेचर हम लोग निगेटिव लें, मीन्स ऐसा चार्ज, तो ये भी बॉडी निगेटिव चार्ज होगा। पहले केस में पॉजिटिवली चार्ज बॉडी ने इसको टच किया था, ये पूरा सिस्टम पॉजिटिवली चार्ज हो गया था, लेकिन अब हम लोग निगेटिवली चार्ज बॉडी ले रहे हैं तो पूरा का पूरा सिस्टम निगेटिवली चार्ज हो जाएगा। और अब देखिए ये गोल्ड लीफ है, वो इधर निगेटिव चार्ज, इधर भी निगेटिव चार्ज, निगेटिव निगेटिव के बीच फिर रिपल्सिव फोर्स लगेगा, फिर ये डाइवर्ज कर जाएगा। तो देखिए स्टूडेंट्स, पॉजिटिव चार्ज के केस में डाइवर्ज किया और निगेटिव चार्ज के केस में भी डाइवर्ज किया, तो हम लोग सिर्फ ये जान सकते हैं कि बॉडी चार्ज है या नहीं, ये नहीं पता कर सकते कि बॉडी पॉजिटिवली चार्ज है या निगेटिवली, क्योंकि दोनों ही केस में लीफ जो है ना डाइवर्ज करता है। और देखिए इसमें भी कन्फ्यूजन सस्पिशन है, तो आप जरूर मेरे पीछे के वीडियो लेक्चर देख लें, वहाँ से गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप का पूरा एक्सप्लेनेशन क्लियर हो जाएगा, तब इस टॉपिक को आप देखिएगा। आइए हम लोग इससे ये भी पता कर सकते हैं कि बॉडी पॉजिटिवली चार्ज है या निगेटिवली। सबसे पहले इस गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप को हम लोग निगेटिवली चार्ज कर देते हैं, आप पॉजिटिवली चार्ज भी ले सकते हैं। अब देखिए हमारा जो गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप है वो निगेटिवली चार्ज है, हियर गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप इज negatively charged, negatively charged। अब इस गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप के करीब हम लोग एक और negatively charged बॉडी को लाते हैं, ऐसे देखिए ये negatively charged बॉडी है। ध्यान में रहे स्टूडेंट्स, इसको इससे टच नहीं कराना है, दूर ही रखना है, हाँ इसके करीब क्लोज रखना है, टच नहीं होना चाहिए। ये देखिए निगेटिव चार्ज है और ये भी निगेटिव चार्ज है, हम लोग जानते हैं निगेटिव निगेटिव के बीच रिपल्सिव फोर्स लगता है, मींस ये निगेटिव चार्ज इस पर फोर्स इधर लगाएगा और ये चार्ज सीधे नीचे की तरफ लसक जाएगा। और ये मेटल नॉब का चार्ज का मूवमेंट कहाँ हो गया, नीचे। अब जैसे ही ये चार्ज नीचे जाएगा, इस गोल्ड लीफ के, गोल्ड लीफ का जो देखिए ऐसे गोल्ड लीफ वर्टिकली डाउनवर्ड रहता है इस तरीका से, मतलब फिगर में हम आपको ऐसे दिखला रहे हैं, गोल्ड लीफ को ऐसे दिखला रहे हैं, ये सामने ऐसे है और ये देख रहे हैं आप कि ये शुरू में निगेटिवली चार्ज है, तो ये डाइवर्ज कर जाएगा, डाइवर्ज रहेगा ऐसे, ये निगेटिव चार्ज। अब क्या हुआ कि ये निगेटिव चार्ज बॉडी लिए और ये भी निगेटिव चार्ज है, इसके इसके बीच रिपल्सिव फोर्स लगा, ये चार्ज नीचे की तरफ ट्रांसफर हुआ और इस लीफ पर अमाउंट ऑफ निगेटिव चार्ज इंक्रीज कर गया, मीन्स कि अब पहले से इस पर ज़्यादा चार्ज हो गया और चार्ज बढ़ने पर फोर्स का वैल्यू भी बढ़ता है, ऑब्वियसली कि इसका निगेटिव चार्ज का अमाउंट बढ़ेगा तो इसका डाइवर्जेंस भी बढ़ जाएगा और इस तरीका से ये ज़्यादा डाइवर्ज कर जाएगा। हाई डाइवर्जेंस, इसका मतलब है कि ये बॉडी निगेटिवली चार्ज है। यदि ये बॉडी पॉजिटिवली चार्ज रहता
तो पॉजिटिव निगेटिव के बीच अट्रैक्टिव फोर्स लगता है, ये इस निगेटिव चार्ज को इधर की तरफ अट्रैक्ट करता, तो यहाँ से भी कुछ चार्ज का अमाउंट ऊपर चला जाता और इस लीप पर निगेटिव चार्ज का अमाउंट डिक्रीज करता। तो यहाँ ये तब है जब बॉडी कैसा चल रही है, तो पहले निगेटिव चार्ज का केस था। अब देखिए आपके सामने बॉडी कैसा चल रही है, पॉजिटिव चार्ज, तो पहले से इसका डाइवर्जेंस ये था निगेटिव चार्ज के कारण, लेकिन जैसे ही पॉजिटिवली चार्ज बॉडी यहां लाएंगे निगेटिव चार्ज को ऊपर की तरफ खींचेगा और यहां से कुछ निगेटिव चार्ज का ट्रांसफर होकर ऊपर चला जाएगा। यहां से जब निगेटिव चार्ज ऊपर जाएगा तो इसके पास निगेटिव चार्ज का अमाउंट डिक्रीज करेगा और डिक्रीज करने के कारण इसका डाइवर्जेंस भी पहले से डिक्रीज कर जाएगा। ये तब हुआ जब बॉडी पॉजिटिव चार्ज लेस डाइवर्जेंस, पहले से डाइवर्जेंस डिक्रीज कर दिया। तो इस तरीका से हम लोग ये भी पता कर सकते हैं कि कोई बॉडी पॉजिटिवली चार्ज है या निगेटिवली चार्ज है। आपको हम मास और चार्ज दोनों ही मैटर के फंडामेंटल प्रॉपर्टीज हैं, उनके डिफरेंसेस को बताता हूँ। कंपैरिजन ऑफ मास एंड चार्ज, देखिए इधर हम लोग मास के प्रॉपर्टीज को देखेंगे और इधर चार्ज। चलिए पॉइंट नंबर फर्स्ट, सबसे पहले बात यह है कि मास हमेशा पॉजिटिव होता है, मास कभी निगेटिव नहीं हो सकता है, और हम लोग जानते हैं कि चार्ज पॉजिटिव और निगेटिव दोनों ही होता है, तो ये पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी। तो पहला पॉइंट ये है कि मास इज ऑलवेज पॉजिटिव, मास इज ऑलवेज पॉजिटिव, और इसमें है कि चार्ज मे बी पॉजिटिव पॉजिटिव और निगेटिव। नंबर सेकेंड, मास कंजर्व नहीं होता है, मास को हम लोग एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, आइंस्टीन साहब ने इस फॉर्मूला को ड्राइव किया था और इस फॉर्मूला के अनुसार मास एनर्जी का फॉर्म है, मास को हम लोग एनर्जी के फॉर्म एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो मास कंजर्व नहीं होता है, मास इज नॉट कंजर्व्ड। इट कैन बी कन्वर्टेड इंटू एनर्जी, बट अब हम लोग पढ़े हैं कि चार्ज कंजर्व होता है, चार्ज इज कंजर्व्ड। चलिए स्टूडेंट्स अब नंबर थर्ड हम लोग करते हैं, मास क्वांटाइज नहीं होता है, मास इज नॉट क्वांटाइज्ड। लेकिन चार्ज क्वांटाइज्ड है, चार्ज इज क्वांटाइज्ड। हम लोग पढ़े हैं q इज इक्वल टू एन ई टू ई, लेकिन मास का क्वांटाइजेशन पॉसिबल नहीं है, चार्ज एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पे होता है, इसलिए इसका क्वांटाइजेशन पॉसिबल है, लेकिन मास एटम पे डिपेंडेंट होता है, इसलिए मास का क्वांटाइजेशन पॉसिबल नहीं है। नंबर फोर, मास के बीच लगने वाला फोर्स मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा अट्रैक्टिव नेचर का होता है, बट चार्ज के बीच लगने वाला फोर्स अट्रैक्टिव भी हो सकता है और रिपल्सिव भी हो सकता है। तो फोर्स बिटवीन मास इज ग्रेविटेशनल,
एंड इट्स नेचर इज ऑलवेज अट्रैक्टिव। देखिए स्टूडेंट्स, जैसे मास के बीच लगने वाले फोर्स को हम लोगों ने ग्रेविटेशनल फोर्स कहा, उसी प्रकार से चार्ज के बीच लगने वाले फोर्स को हम लोग ग्रेविटेशनल इलेक्ट्रिक फोर्स कहते हैं। फोर्स बिटवीन चार्जेस, चार्ज इज कॉल्ड इज इलेक्ट्रिकल। और ये तो अट्रैक्टिव होता है, बट ये अट्रैक्टिव भी हो सकता है और रिपल्सिव भी। पॉजिटिव पॉजिटिव हो, लाइक चार्जेज हो तो रिपल्सिव, और अनलाइक और पॉजिटिव निगेटिव हो तो अट्रैक्टिव। तो फोर्स बिटवीन चार्ज इज इलेक्ट्रिकल एंड इट्स नेचर इज अट्रैक्टिव और ऑल्सो रिपल्सिव। स्टूडेंट्स लास्ट फिफ्थ पॉइंट, मास जो होता है ना वो वैरी करता है, मास इज वेरिएंट। वेरिएंट करने का सेंस ये है कि जब कोई बॉडी मूव करता है तो उसका मास के चेंजेस होने की संभावना रहती है, बट चार्ज जो है उसमें ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं है। चार्ज इज इनवेरिएंट मीन्स कि कोई चार्ज रेस्ट में है और वही चार्ज यदि मोशन में आ जाए तो भी उसका वैल्यू बराबर होगा। मीन्स कि कोई 22 कूलम का चार्ज है वो रेस्ट में है और वही चार्ज यदि मूव करने लगे तो भी उसका वैल्यू 22 कूलम होगा। बट इन द केस ऑफ मास ये चेंज कर जाता है, मास का वैल्यू चेंज करता है जब बॉडी मूव करता है। आइए स्टूडेंट्स, अब आपको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का यूजेस पढ़ा रहे हैं, यूजेज ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। सबसे पहले कॉमन हम लोग पेंटिंग की बात करते हैं। देखिए आपके सामने एक कार है, इस कार को यदि पेंट करना हो तो इसके बॉडी, ये मेटल का बॉडी है, इसके बॉडी को सोर्स ऑफ पॉजिटिव चार्ज से कनेक्ट कर दिया गया। और आजकल पेंट करने के लिए स्प्रे पेंट यूज होता है, इस स्प्रे के रूप में पेंट निकलते रहता है और इस पेंट को निगेटिवली चार्ज कर लिया गया। देखिए इस कार का जो बॉडी है कैसा चार्ज है, पॉजिटिवली चार्ज। और ये जो पेंट है जो स्प्रे के रूप में निकलता है वो कैसा चार्ज है, निगेटिवली चार्ज। तो जैसे इससे निगेटिवली चार्ज पेंट बाहर निकलेगा और ये कार का बॉडी पॉजिटिवली चार्ज है, दोनों के बीच अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा और इस फोर्स के कारण पेंट इस पे जाके चिपक जाएगा। और इस तरीका से जो चार्ज के कारण जो पेंटिंग हुआ वो थोड़ा स्ट्रॉन्ग, ज़्यादा मजबूत पेंटिंग होगा। तो इलेक्ट्रोस्टेट में इसका ये यूज है। साथ ही साथ जो हम लोग इंक जेट प्रिंटिंग यूज़ करते हैं, कोई भी जीरोक्स वगैरह कराने के लिए हम लोग जाते हैं तो वहाँ भी जो लाइट होते हैं जब वर्ड के ऊपर से क्रॉस करते हैं तो वो नीचे के पेपर चार्ज हो जाते हैं उस जगह पे, और जब वो ड्रम से क्रॉस करता है कॉपियर तो वो भी उस पर चार्ज हो करके और कार्बन का डस्ट उस पर एडजस्ट हो जाता है। एक वैनिग्राफ जनरेटर है, तो इन सारी बातों को हम लोग इलेक्ट्रोस्टेट में पढ़ते हैं, तो इसका बहुत सारा यूज है हमारे कॉमन। देखिए स्टूडेंट्स, हमने इलेक्ट्रोस्टेट का नॉर्मली दो यूज लिख दिया है, एक तो इन स्प्रिंग ऑफ पेंट्स जो जस्ट हमने अभी कार वाले केस में बतलाया, और दूसरा इन डिजाइनिंग ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक जनरेटर जिसको हम लोग वैनिग्राफ जनरेटर भी कहते हैं, और ये हम आगे आपको पढ़ाएंगे। इस तरीका से मैंने आपको चार्ज के बारे में कंप्लीट थ्योरी का जो नॉलेज था वो दिया। देखिए स्टूडेंट्स, अब आपको हम 3 पेज का असाइनमेंट दे रहे हैं, उस असाइनमेंट में सबसे पहले नीट एम्स IIT से रिलेटेड क्वेश्चन है, उसके बाद जितने भी CBSE बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं जो 2021 में एग्ज़ाम देंगे उनके लिए क्वेश्चन सेट किया गया है, उसके बाद जितने भी बिहार बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए क्वेश्चन दिया गया है। तो हम आपको तीनों पेज आपके वीडियो में लोड कर रहे हैं, उन तीनों
प्रीवियस का क्वेश्चंस आप जरूर अटेम्प्ट लेंगे और एक दिन का हम आपको टाइम देंगे, आप उस क्वेश्चंस का अटेम्प्ट लीजिए, बनाने का कोशिश कीजिए और जो नहीं बने वो क्वेश्चंस आप पूछ सकते हैं। तो बस इतना ही तक, इसके बाद हम आपको इलेक्ट्रिक फोर्स पढ़ाएंगे। मैं पार्ट बाय पार्ट आपको पढ़ाऊंगा, इसके अगले टॉपिक में इलेक्ट्रिक फोर्स है और इलेक्ट्रिक फोर्स का पूरा थ्योरी पढ़ा के फिर मैं उसका न्यूमेरिकल्स आपको बनवाऊंगा। तो इस तरीका से हम लोग का आगे क्लास चलते रहेगा। इतना ही तक स्टूडेंट्स, ओके।